दोस्तों, आज की कहानी है क्या जेठानी बहन भी होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नेहा और संदीप दोनों पति पत्नी हैं। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे। शादी के बाद 5 साल तक तो उन्हें बच्चा नहीं हुआ, और पिछले 5 साल में डॉक्टर के इलाज के चलते भी उसे 3 बार गर्भपात हो चुका था, जिसके कारण वह अंदर तक टूट चुकी थी। नेहा की सास कमला जी और ससुर समन लाल जी दोनों बहुत अच्छे नेक दिल इंसान थे। उनके 4 बच्चे, जिसमें 2 बेटा 2 बेटी थे। संदीप सभी भाई बहनों में सबसे छोटा था। उनका परिवार हर तरह से संपन्न और शांति प्रिय था। समता और नेहा को बहुओं के रूप में पाकर पूरा परिवार खुश था। नेहा के इस दुख से पूरा परिवार दुखी था। उसकी बड़ी जेठानी समता उसे छोटी बहन की तरह से प्यार करती थी। शादी होकर जब नेहा ससुराल आई तो समता ने नेहा से दीदी बोलने को कहा, क्योंकि समता की कोई अपनी छोटी बहन नहीं थी। वह अपने मायके में 3 भाइयों की अकेली बहन थी। समता जब भी कभी अपनी दोनों ननद और रिश्तेदारों में कभी भी 2 बहनों के प्यार को देखती तो उसका भी मन करता कि काश मेरी भी एक बहन होती। इसलिए उसने उससे भाभी की जगह दीदी बोलने को कहा। नेहा भी जेठानी के रूप में दीदी का रिश्ता पाकर बहुत खुश थी। 20 दिन पहले नेहा को जब गर्भपात हुआ, तब से वह बहुत उदास रहने लगी थी। समता उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती, और उसके दोनों बच्चे भी सासी सासी करके उसके आगे पीछे घूमते रहते थे। लेकिन इस बार नेहा के व्यवहार में बहुत फर्क आ गया था। वह बात बात में जेठानी और उसके बच्चों को उल्टा सीधा बोलने लगी थी। संयुक्त परिवार होने से सभी सदस्य इन बातों को नोटिस कर रहे थे, लेकिन सब ये सोच चुप थे कि शायद कुछ समय बाद वह दुख से उबर जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। समता उसकी दिमागी हालत को देखते हुए समझ रही थी कि वह डिप्रेशन की शिकार हो रही हैं। इसीलिए उसे किसी मनोचिकित्सक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसने इसके लिए जब नेहा से बात की तो वह सुनते ही भड़क गई और कहने लगी, मैं पागल हो गई हूँ जो आप मुझे मनोचिकित्सक डॉक्टर को दिखाने के लिए कह रही हैं। क्षमता उसे समझा रही थी कि मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम
पागल हो गई हो, ऐसा नहीं होता। जब कोई पागल हो जाए तभी उसे दिखाया जाए। नेहा ने उसकी एक बात न मानी न समझी और उस दिन के बाद से उससे बोलना बहुत कम कर दिया था, लगभग छोड़ ही दिया था। समता ने इस बारे में देवर संदीप से बात की, लेकिन उसने भी कह दिया, भाभी आप उसे और मुझे कुछ दिन के लिए अकेला छोड़ दे। संदीप के मुंह से ये सुनकर ममता को बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने मन को समझा लिया था कि वह बड़ी है, उसे अपना बड़पन रखना चाहिए, उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। दोनों अपने अपने काम करती और अपने अपने कमरों में जाकर बैठ जाती। कुछ समय दोनों के बीच ऐसा ही चलता रहा। समता को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, वह सह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि संदीप भैया की भी यही इच्छा थी कि कुछ दिनों के लिए मुझे और नेहा को अकेला छोड़ दिया जाए। कुछ दिनों बाद पूरे परिवार को मौसी जी की बेटी की शादी में जाना था। सब ने नेहा से कहा तुम भी चलो, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। समता भी शादी में नहीं जाना चाहती थी नेहा को अकेला छोड़ कर, लेकिन कमला जी ने कह दिया कि तुम दोनों नहीं जाओगी तो मौसी जी को बुरा लगेगा। इस कारण समता को शादी में जाना पड़ा। वहां उसका मन नहीं लगा और वह ड्राइवर के साथ थोड़ी देर में ही वहां से घर आने के लिए निकल गई। उसे रास्ते में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने घर आकर देखा तो नेहा उसे कहीं दिखाई नहीं पड़ी। उसने रमेश पति को फोन किया और जल्दी घर आने को कहा। खुद ड्राइवर के साथ उसे आसपास के इलाके में ढूंढने लगी। तभी उसे याद आया कि नेहा ने एक बार बताया था कि उसे समुंदर किनारे बैठना पसंद है। वह उसे देखने वहीं पहुंची तो वह समुंदर के किनारे बैठे हुए मिली। नेहा ने देखा कि दीदी आ रही हैं, तो वह समुंदर में कूदने जाने लगी। समता ने उसे जोर से आवाज लगाई और भागकर उसे खींच लिया और खींच कर एक थप्पड़ जड़ दिया। वह फूट फूट कर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी दीदी मैं जीना नहीं चाहती हूँ, पर क्यों मैं माँ नहीं बन सकती। संदीप को पिता बनने का सुख नहीं दे सकती, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे मरने दे दीजिए। तुमसे ये सब किसने कहा कि तुम माँ नहीं बन सकती? और अगर माँ नहीं बन सकती तो मरने से क्या समस्या का हल हो जाएगा? क्या संदीप पिता बन जाएगा तुम्हारे मरने से? कितना सहता है वह तुम्हें, तुमने कभी सोचा है? समता उसे समझाने लगी कि मरना किसे
समस्या का हल नहीं है, चलो घर चल कर बात करेंगे। दोस्तों देखा आपने कैसे समता ने नेहा को अपनी छोटी बहन माना था, तो उसने बड़ी बहन होने का पूरा फर्ज भी निभाया। कई बार हम अपनी परेशानी किसी से नहीं कह पाते या कहना नहीं चाहते, और अंदर अंदर रख कर उसे इतना बड़ा कर लेते हैं कि हम सुसाइड तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि सुसाइड करना ये समस्या का हल नहीं है।